नमस्कार फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम बड़ा सा स्टोरेज ट्रैवल बैग बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फैब्रिक लिया है, बीच में हमने राइस का बैग लगाया हुआ कटिंग करके, और ये हमारा अंदर के साइड में हमने लाइनिंग के लिए ये कपड़ा लगाया हुआ है। देखिए हमने इसको चारों साइड से सिल के अटैच कर दिया, और यहाँ से देखिए सिल के हमने इसे क्विल्ट कर दिया है ऐसे में। तो देखिए कपड़े की लंबाई है 34 इंच, चौड़ाई है 17.5 इंच। देखिए हमने ये दो पीस लिया है, दोनों में हमने सेम जैसा इसमें कपड़ा लगाया उसी तरह से हमने इसमें भी लगा के देखिए यहाँ से क्विल्ट कर दिया। लंबाई है 9 इंच, चौड़ाई है 9 इंच। ये दोनों जो फैब्रिक लिया है सेम साइज का फैब्रिक लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे ऐसे डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम उस साइड भी निशान लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान बना के उस निशान पे मिला दिया है, यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। हमने इस साइड निशान लगाया था उसी तरह से हमने यहाँ भी निशान लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाएंगे। तो हमने देखिए ये रेडीमेड स्ट्रिप लिया हुआ है, स्ट्रिप की लंबाई है 27.5 इंच। फ्रेंड्स हमने ये रेडीमेड लिया है, आप चाहे तो कपड़े से फैब्रिक से बना सकते हैं। देखिए हम इस साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे। हमने दोनों निशान लगाया है, यहीं पे हमें इस स्ट्रिप को अटैच करना है, ऐसे रखते हुए अटैच कर देना है। इस साइड भी हम जैसे निशान लगाए उसी तरह से हम उस साइड भी बना देंगे निशान और स्ट्रिप को अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे हैंगर को अटैच कर दिया और इस साइड भी हमने हैंगर को अटैच कर दिया है। हमने ये जिप लिया है, इसमें रनर लगा हुआ है, इसे हम उल्टा ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर में सीधे सिलाई लगा देंगे, फिर इसे इस तरह से पलट के हम इसके ऊपर में सिलाई लगा देंगे। तो जैसे हम इस साइड करेंगे इसी तरह से हम, अब ये जो दूसरा साइड है इसे हम इसके ऊपर में ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे सीधे में। देखिए हमने सिलाई लगा दिया है, अब हम यहाँ से इसे सीधा करेंगे। उसके बाद हम इसे यहाँ पे ये जो ये साइड का भाग है इसे हम इस तरह से मोड़ते हुए ऊपर में सीधे सिलाई लगा देंगे। जो ये फैब्रिक है इसे हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए इसे किसी भी साइड से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, फिर हम यहाँ पे इस पे चौक से निशान लगा देंगे। देखिए जो ये हमारा निशान आया है, इस निशान को हम इस जिप के ऊपर में रखेंगे और यहीं से हम इसे सिलते जाएंगे ऐसे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड अटैच कर दिया, अब हम ये दूसरा साइड है इसे भी हम अटैच करेंगे इस साइड में। जैसे हमने इस साइड किया है इसी तरह से हम इसे भी कर देंगे मिला के ऐसे। फ्रेंड्स हमने इसमें सिलाई लगा दिया है, अब हम यहाँ से रनर को खोल देंगे और सीधा करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा सीधा होने के बाद ये ऐसा दिखाई देता है, और देखिए ये हमने राइस बैग से बहुत ही अच्छा जो है कि ट्रैवल बैग स्टोरेज बैग बना लिया है। इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई भी सामान रख के इसमें लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का यह बैग वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।